नमस्कार स्वागत है आपका आप देख रहे हैं द न्यूज और मैं रानी गुप्ता आपके साथ एक बार फिर से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को ईडी से बड़ा झटका लगा है दरअसल शिक्षक भर्ती घोटाला मामले को लेकर के ईडी ने एक बार फिर से अभिषेक बनर्जी को समन जारी किया है बता दें कि 11 अक्टूबर को पूछताछ के लिए अभिषेक बैनर्जी को बुलाया गया है इसी के साथ ही उनकी पत्नी रुजिरा बनर्जी को भी ईडी ने समन जारी किया है दरअसल ईडी ने टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव और सांसद अभिषेक बैनर्जी को समन जारी किया है एजेंसी ने बैनर्जी को जारी किए गए समन में 9 अक्टूबर को पेश होने के लिए कहा है जांच एजेंसी ने बैनर्जी की पत्नी रुजिरा को 11 अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया है दरअसल इसके अलावा उनकी मां को 6 अक्टूबर को और पिता को सात अक्टूबर को पूछताछ के लिए बुलाया गया है दरअसल ईडी ने टीएमसी के वरिष्ठ नेता अभिषेक बैनर्जी को स्कूल भर्ती घोटा के संबंध में पूछताछ के लिए 3 अक्टूबर को तलब किया था लेकिन यहां पर अभिषेक बैनर्जी नहीं पहुंचे थे जिसके बाद एक बार फिर से ईडी के द्वारा समन जारी किया गया है बता दें कि इस दौरान अभिषेक दिल्ली में मौजूद थे और एक प्रोटेस्ट का नेतृत्व कर रहे थे बता दें कि इसके पहले भी देखने को मिला कि केंद्रीय कृषि मंत्री से मुलाकात करने की मांग को लेकर के मंगलवार को दिल्ली के हाई सिक्योरिटी वाले इलाके में टीएमसी सांसदों को हिरासत में लिया गया बता दें पार्टी नेताओं पर हुई इस कार्रवाई का विरोध पार्टी प्रमुख ममता बनर्जी ने किया दरअसल उन्होंने कहा कि बीजेपी पश्चिम बंगाल के गरीबों और किसानों का हक मारना चाहती है दरअसल टीएमसी सांसद अभिषेक ने आरोप लगाया है की पुलिस द्वारा की गई बस सलूखी के खिलाफ वो पांच अक्टूबर को दोपहर तीन बजे राजभवन में एक लाख लोगों के साथ राजभवन अभियान चलाएंगे इस अभियान के तहत वो राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे और उन्हें 50 लाख पत्र सौंपेंगे इस दौरान बैनर्जी ने कहा कि जो लोग बंगाल के लोगों के लिए लड़ रहे हैं उन्हें तीन घंटे तक इंतजार कराया गया मंत्री भाग गए हम वहां शांति से बैठे थे लेकिन अचानक सुरक्षा कर्मियों ने महिलाओं समेत हम सभी के साथ मारपीट की है आपको बता दें कि इसमें टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा का भी एक वीडियो काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें पुलिसकर्मी उन्हें उठा करके ले जा रहे हैं तो वही कई सारे टीएमसी के नेता भी इस प्रोटेस्ट में मौजूद थे और उनका कहना है कि वो शांतिपूर्वक वहां पर प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन अचानक से दिल्ली पुलिस आती है है आते हैं और उन्हें हटा दिया जाता है। आपको बता दें कि आप इस पूरी कार्रवाई को लेकर के बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भड़क चुकी है और अपनी बौखलाहट जाहिर करते हुए उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया और कहा कि आज लोकतंत्र के लिए काला दिन है यह वो दिन है जब बीजेपी नेताओं के के लोगों के बंगाल लोगों प्रति उनके किए जाने की बात पता चली है बीजेपी ने पहले तो कृषि विभाग के लिए हमारी फंडिंग रोक दी जब हमारा प्रतिनिधिमंडल कृषि मंत्री से मुलाकात करने के लिए गया तो उन्होंने उनके साथ बुरा बर्ताव किया उनको जबरन पुलिस द्वारा वहां से हटा लिया गया साथ ही सीएम ममता बनर्जी ने आगे ये भी कहा कि पश्चिम बंगाल की आवाज को चलने के लिए बीजेपी ने हर सीमा पार कर दी है उनकी पुलिस ने हमारे प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया उनको जबरन मंत्रालय से बाहर कर दिया गया जैसे कि वो अपराधी हो। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया क्योंकि बीजेपी के सत्ता के अहंकार के सामने आवाज उठाने को लेकर के किया बीजेपी के अहंकार की कोई सीमा नहीं है और उनके अहंकार ने उनको अंधा बना करके रख दिया है आपको बता दें दरअसल ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी ने भी इस दौरान बीजेपी की आलोचना की दरअसल मंगलवार यानी कि तीन अक्टूबर को उनको भी हिरासत में लिया गया था उन्होंने कहा कि ये भारत के लोकतंत्र के लोकतंत्र लिए काला दिन है जहां पर बीजेपी अपने खिलाफ उठी हर आवाज को दबा देना चाहती है गौरतलब है कि केंद्रीय मंत्री से मुलाकात की मांग को लेकर के दिल्ली में कृषि भवन में धरने पर बैठे टीएमसी के महासचिव अभिषेक बैनर्जी और पार्टी के कई अन्य नेताओं को हिरासत में ले लिया गया था हालांकि करीब तीन घंटे बाद सभी को रिहा भी कर दिया गया साथ ही अभिषेक ने ने कहा कि आज का यह दिन नए भारत में एक मिसाल बन चुका है जब दिल्ली पुलिस जन प्रतिनिधियों के साथ दुर्व्यवहार किया और सरकार से सवाल करने वाले पत्रकारों के खिलाफ मामला दर्ज किया बता दें दरअसल ये पत्रकारों का जिक्र जो है वो न्यूज क्लिक के पत्रकारों को लेकर के किया गया है कल ईडी की छापेमारी न्यूज क्लिक से जुड़े तमाम पत्रकारों के घरों पर की गई थी और तमाम लोकेशन पर एक साथ दिल्ली पुलिस ने दबिश दी थी जिसमें न सिर्फ नोएडा बल्कि गाजियाबाद और दिल्ली के कई सारे लोकेशन शामिल थे यह घटनाक्रम तब हुआ जब पश्चिम बंगाल को निधि जारी करने की मांग को लेकर के केंद्र और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच में रस्साकशी तेज हो गई है और टीएमसी ने लगातार दूसरे दिन राष्ट्रीय राजधानी में विरोध प्रदर्शन किया बता दें कि महात्मा गांधी की जयंती पर दिल्ली में राजघाट पर दो घंटे तक धरना देने के एक दिन बाद अभिषेक बैनर्जी ने टीएमसी सांसदों विधायकों और राज्य के मंत्रियों और समर्थकों सहित मनरेगा श्रमिकों के साथ राष्ट्रीय राजधानी स्थित जंतर मंतर पर प्रदर्शन किया बाद में उन्होंने कृषि भवन में ग्रामीण विकास मंत्रालय तक मार्च निकाला जहां केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम था कृषि भवन जाने के करीब डेढ़ घंटे बाद टीएमसी नेताओं ने दावा किया की कि राज्य मंत्री ने ये कहते हुए उनसे मिलने से इनकार कर दिया कि वो पांच से अधिक प्रतिनिधियों से नहीं मिल सकती जिसके बाद बाद ये खबरें सामने आई कि कैसे ने ने और और दिल्ली पुलिस उनके उनके साथ दुर किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया मारपीट की और इसके बाद उन्हें हिरासत में ले लिया जिसके बाद देखने को मिला की सोशल मीडिया पर इनके वीडियो भी काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं और खासकर अगर हम टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की बात करें तो उनके भी वीडियोस काफी ज्यादा वायरल हो रहे हैं जब महिला सुरक्षा कर्मी उन्हें उठा करके ले जा रही है इस दौरान जो है वो ये कह रही है कि आप मेरे साथ इस तरीके का व्यवहार नहीं कर सकते मैं एक एम पी हूँ तो इस तरीके की खबरें लगातार देखने को मिल रही है है इस बीच बड़ा झटका जो है एक बार फिर से ममता बैनर्जी के भतीजे अभिषेक बैनर्जी को शिक्षक भर्ती घोटाले में लगा है जहां पर एक बार फिर से ईडी ने उन्हें समन जारी कर दिया है दरअसल ईडी ने इससे पहले तीन अक्टूबर को भी अभिषेक बैनर्जी को ईडी कार्यालय में हाजिर होने के लिए कहा था इसी मामले को लेकर के शिक्षक भर्ती घोटाला मामले से संबंधित था यह समन लेकिन वहां पर अभिषेक बैनर्जी शामिल नहीं हुए बल्कि इसके बजाय वो चले जाते हैं दिल्ली में प्रदर्शन करते हैं और एक बार फिर से ईडी ने सिर्फ अभिषेक बैनर्जी को यह समन जारी किया है बल्कि उनकी पत्नी को भी पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर बुलाया गया है देखना होगा कि जब अभिषेक बैनर्जी यहां पर जाते हैं ईडी दफ्तर में तो ईडी क्या पूछताछ करती है और शिक्षक भर्ती घोटाले में कौन सा नया राज खुलता है क्योंकि जब शिक्षक भर्ती घोटाला सामने आया तो इसमें देखने को मिला कि कैसे पश्चिम बंगाल में अब तक का यह सबसे बड़ा घोटाला माना गया जिसमें सबसे पहले नंबर पर जो नाम सामने आया था वो टीएमसी के ही पार्टी के के नेता रहे और इसी के साथ ही वो मंत्रिमंडल का हिस्सा भी रहे थे हालांकि बाद में ममता बनर्जी ने उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया पार्थ चैटर्जी और उनके ठिकानों से करोड़ों रुपए बरामद हुए थे बहुत सारे सोने जवाहरात भी बरामद हुए थे लेकिन इससे पता चलता है कि कितने बड़े तादाद में शिक्षक भर्ती घोटाले को अंजाम दिया गया था और इसके बाद से लगातार टीएमसी के कई सारे नेताओं पर भी यह शिकंजा कसा है और अब यह जो रडार है वो अभिषेक बैनर्जी पर भी जा पहुंचा है इस बीच कई लोगों का तो यह भी कहना है कि जब बंगाल में शिक्षक भर्ती घोटाला इतने बड़े पैमाने पर हुआ है तो जाहिर तौर पर इसमें ममता बनर्जी का भी जरूर कोई रोल रहा होगा क्योंकि बिना उनके मंजूरी के या फिर बिना उनके निर्देश के इतने बड़े घोटाले को अंजाम दिया जाना उनके मंत्रियों और उनके नेताओं के द्वारा यह पॉसिबल नहीं है तो ये चीजें भी लिंकल करके लगातार सामने आ रही है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर करके आपकी क्या राय है हमारे कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं धन्यवाद